हेलो पुड़ी, हु एल्स इज मिसिंग वड़ा पाव दीज डेज? इट्स अ स्ट्रीट फूड ईटन लॉट इन महाराष्ट्र. सो बिफोर चेकिंग आउट द होल रेसिपी, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आप आलू वड़ा को दही और इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो. ये बहुत ही बढ़िया लगता है एज अ स्नैक्स. इमली की चटनी और मूंगफली की चटनी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है रेसिपी. तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स. पानी, बेसन 1.5 कप, उबला बारीक कटा हुआ आलू 2.5 कप, हरी मिर्च लिए मैंने यहाँ तलने के लिए, तेल, बारीक कटा हुआ धनिया 3 बड़े चम्मच, 1 चम्मच सूखा नारियल और लहसुन की कलियाँ 10, हरी मिर्च 5 पेस्ट बनाने के लिए, बारीक कटा हुआ प्याज 1 कप, कड़ी पत्ता 8 से 10, अजवाइन 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, अदरक 1 इंच, उबले हुए मटर 1/4 कप, बेकिंग सोडा 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच. पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, सूखा नारियल, लहसुन की कलियाँ, अजवाइन, अदरक, जीरा और धनिया यूज़ किया है. इसकी बारीक पेस्ट बनानी है हमें. फिर एक कढ़ाई लीजिए, उसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालिए. तेल गर्म होने के बाद उसमें कड़ी पत्ता और प्याज डालिए. इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लीजिएगा. प्याज भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी पेस्ट. हल्दी पाउडर, मटर, गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार. फिर इसमें हम डालेंगे आलू. इसे धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे सब चीज़ों को. और इसे ठंडा होने के बाद इसमें मैं डालूंगी धनिया और इसके हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे. कम से कम 10 वड़े बन जाते हैं इस क्वांटिटी में. अब एक बाउल में मैंने लिया है बेसन. इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा और नमक स्वाद अनुसार. इसे अच्छे से मिला लेंगे. उसके बाद मैं इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करूंगी. अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा पतला है बैटर, तो आप इसमें बेसन ऐड कीजिएगा. इसे अच्छे से मिक्स कीजिए. ये देखिए, एकदम लम्प फ्री बैटर है ये. तो यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रखी है कढ़ाई. इसमें मैंने बैटर डाल के देखा था, तेल गरम हो चुका है. अब लेंगे वड़ा, इसे डिप करेंगे बैटर में. इसे अच्छे से कोट करेंगे और इसे हमें धीमी आंच पे तलना है. इसी प्रकार से हम सारे वड़े तलेंगे.
अच्छे से कोट कीजिएगा इसे, धीरे धीरे इसे हिलाएं चलते वक्त ताकि ये बड़े चिपके ना नीचे। इसे सुनहरे होने तक तलिए और सर्व कीजिए वड़ा पाव विथ मूंगफली की चटनी, दही, हरी मिर्च एंड इमली की चटनी। एंजॉय।